एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने फ्लिपकार्ट का हॉल शेयर किया था, जिसमें कि मैंने पूरा हॉल तो शेयर नहीं किया था, एक कुर्ता मैंने उसके साथ शेयर किया था। उसी का अगेन मैं कुर्ता आपको दिखाने वाली हूँ। सेम देखे नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, थोड़ा डिफरेंट वाला कुर्ता दिखाती हूँ, जिसका नाम है सुरक्षा। सैनी कॉम्प्लेक्स से ये आया है, सुरक्षा नाम है इसका। एंड इसका जो पिक्चर है आप यहाँ देख सकते हैं, एंड इसका जो लिंक है और प्राइस है यहाँ मेंशन हो जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए, मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारी 1K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि 1K की फैमिली मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और लोगों के होंगे 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, बट मेरे को ही जो 1,000 की फैमिली है ना, मतलब मुझसे तो यही नहीं संभल रही है, मैं मतलब खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। चलो छोड़ो, बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ मैं, आप भी सोच रहे हो कितनी बतूनी हो गई है ये। चलो देखते हैं, ये मैंने इसका रिसीव किया है, इसका लिंक नीचे मेंशन हो गया है। सो इसको अब हम ऊपर करके देखते हैं। ओपन करने से पहले बता दूँ, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे, आप सभी को पता होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको नहीं पता होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करती हूँ। बट अगर आप कहेंगे किसी और साइट से शॉपिंग करके दिखाऊँ, तो वो भी मैं आपको शॉपिंग करके दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका 100% रिप्लाई मिलेगा। अगर हैंड टू हैंड रिप्लाई नहीं मिलता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट हाँ उसी दिन आपको रिप्लाई मिलेगा, उस दिन नहीं तो कम से कम 2 या 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा आपको ओवर नहीं होगा। मैं 5 घंटे के अंदर 101% आपको अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करूँगी आपको। चलो देखते हैं। सो मैंने ये वाला कुर्ता मंगाया था, जो कि कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का कुर्ता है, एंड जो कि लुक वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। एंड कपड़े की बात कर लेते हैं, कपड़े से ओपन पैकेजिंग की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग मतलब अमेजिंग है, आपके सामने ओपन की रही है पैकेजिंग, काफ़ी अच्छी तरीके से करी है इन्होंने। एंड सो यहाँ ओपन करके देखते हैं इसे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मतलब अमेजिंग लग रहा है। एंड इसमें लिखा है सुरही क्लॉथिंग ब्रांड, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद सुरभी, सुरही ब्रांड्स का आपका ये कपड़े हैं, मतलब आपके और हमारे कपड़े हैं। एंड इसका प्राइस आई थिंक 650 समथिंग इसका प्राइस था। एंड फ्लिपकार्ट की सेल पर मैंने इसे परचेज़ किया है, आधे से भी आधे रेट में मुझे ये मिल गया है। सो मुझे उस हिसाब से 650 रुपये में अगर आप जाते हैं तो कोई इस तरह का टॉप भी आपको नहीं मिलता है। ये टॉप भी मेरा 400 रुपये, 350 रुपये का टॉप है। अब आप सोचो कि 350 रुपये में सिर्फ हाफ टॉप है, ये आपको पूरा पूरा लॉन्ग कुर्ता मिल रहा है, पूरा प्लाजो आपको मिल रहा है, प्रिंटेड मिल रहा है, कलर्स आपको जैसे चाहिए वैसे मिल जाते हैं, साइज आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। सो चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, सो यहाँ देख लेते हैं। कुछ इस तरह का प्रिंट है, जैसा कि इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, गले पे इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, देन यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह से दिया हुआ है पैचेस। सो इसको पहले हम कुर्ते को ओपन करके देख लेते हैं। कुर्ते के कपड़े की बात की जाए तो मतलब रेयन वाला कपड़ा है, और कपड़ा मतलब कॉटन मिक्स कपड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग कपड़ा है। इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड करा था, येलो कलर का कुर्ता था, उसमें 1K सब्सक्राइबर होने से पहले, सो उसे देखना मत भूलिएगा। सो ये कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है, इसका राउंड नेक है, एंड इसका जो साइज़ है वो है XL। ये इजीली 40 XL नहीं, ये हमारा M साइज़ है, XL या पता नहीं यार कौन सा साइज़ है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ देख सकते हैं जो भी हैं, बट मेरे हिसाब से ये मेरे आ जाएगा, बल्कि थोड़ा लूज़ होगा। सो अगर बात की जाए मेरे अंदाजन से तो 38 to 40 को ईज़िली आ जाएगा। अगर आप थोड़े से और ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको डबल XL मंगाना है। एंड आई थिंक ये मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जितना मुझे पता है तो ये 40 को ईज़िली आ जाएगा। एंड कपड़े की बात की जाए तो कपड़ा बहुत अच्छा है, फुल स्लीव्स इन्होंने दी हुई है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्होंने लेस लगाई हुई है। जो लेस की बात की जाए तो आप फैब्रिक आप देख सकते हैं, फैब्रिक जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, कॉटन मिक्स फैब्रिक है आपका, और इसमें आई थिंक गर्मी भी नहीं लगेगी, बहुत लाइट वेट इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है। नीचे का लुक कुछ इस तरह से दिखता है, प्राइस मेंशन हो गया, वहाँ से चेक कर सकते हैं, लिंक भी मेंशन हो गया। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्रिंट की बात की जाए तो प्रिंट जो है आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, प्रिंट एकदम पक्का वाला प्रिंट तो नहीं है, आई थिंक
चार से पाँच जुलाई में ये इजीली छूट जाएगा। वैसा पक्का वाला प्रिंट नहीं है, इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं पक्का वाला प्रिंट नहीं दिया हुआ है कि छूट जाएगा आपसे। अगर आप दो से तीन या तीन से चार बार में अगर आप अपने वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो गारंटीड आपका चार से पाँच बार क्या तीन बार की वॉश के अंदर ही आपका ये जो प्रिंट है वो छूट जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको रिकमेंड करूँगी आप इसे हैंड वॉश ही करें। सो लेंथ घेर की बात घेरे की बात की जाए तो घेरा एकदम नॉर्मल दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इतना घेरा आपके प्लाजो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बैक साइड से इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, बस नीचे इन्होंने प्रिंट दिया हुआ है। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह का लगता है, आप देख सकते हैं। एंड बात की जाए इसकी प्लाजो की, तो प्लाजो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू कैन सी कि प्लाजो कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लाजो की लेंथ की बात की जाए तो मेरी लेंथ के हिसाब से मेरी हाइट 5.3 है, तो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग आएगा क्योंकि मैं थोड़ी सी छोटी हूँ। एंड देख सकते हैं आप इजीली आ जाएगा आप अगर आप 30 हैं। ओ वाओ मुझे नहीं पता था कुछ इस तरह का इन्हें डिफरेंट मिलेगा, मतलब डिफरेंट मुझे मिला है इसके अंदर। मुझे लगा था कि इसका जो प्लाजो होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा जैसे नॉर्मल प्लाजो होते हैं, बट इसके प्लाजो में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने प्लेट्स दी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लुक दे रहा है। एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लुक दे रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी थी, और आई थिंक नोटिस क्या मतलब ये दिख भी नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट पिक अप दे रखी थी, इसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें प्लेट्स डली हुई हैं या नहीं डली हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आगे पीछे दोनों तरफ प्लेट्स डली हुई हैं। प्रिंट आपका सेम इन्होंने दिया हुआ है नीचे की साइड। और इसकी बात की जाए तो जितना आपका सूट का घेरा है उतना ही घेरा आपका एक पैर के प्लाजो का है, तो ये आपका कम से कम नहीं तो एक साइड का अगर एरिया देखे जाए तो आपके 20 इंच के समथिंग बैठ जाता है। एंड 40-45 इंच का आपका ये घेरा दिया हुआ है, ऑल ओवर घेरा वन पैर का। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल अगर बात की जाए कपड़े की एंड इस कुर्ते की, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा है। अगर मुझे कोई चीज़ बेस्ट नहीं लगेगी तो आपको बता दूंगी कि मुझे पसंद नहीं आया है। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। पिक के अंदर यहाँ देख सकते हैं आप, अगर ये कुर्ता पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।